हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। वाकड़ हिंजेवाड़ी रोड से एक बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जहाँ पे 2 BHK एंड स्मार्ट 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बेस्ट बात है इसका लोकेशन। वाकड़ हिंजेवाड़ी मेन रोड टच ये प्रोजेक्ट है एंड लिटरली वॉकिंग और क्रॉलिंग डिस्टेंस पे आपको अपकमिंग मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाता है। 2 बड़े एग्जिस्टिंग मॉल्स हैं, विबग्योर स्कूल है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, साथ ही साथ रूबी हॉल क्लिनिक जैसा बड़ा हॉस्पिटल भी है एंड काफ़ी सारे वेल नोन जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको इस प्रोजेक्ट की विसिनिटी में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको सिर्फ जॉगिंग एंड साइकिलिंग डिस्टेंस पे 100 से भी ज़्यादा IT कंपनीज देखने को मिल जाती है और 2-4 बड़े मॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। डीमार्ट है एंड बिग बाज़ार भी है। अगर आप एक परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस जिंदगी जीना चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट बेस्ट है। IT कंपनीज के पास ये प्रोजेक्ट आ जाता है। अगर आप चाहें तो आप लिटरली लंच के लिए भी अपने घर पे आ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वाकड़, बानेर, बालेवाड़ी भी जाना है तो इस प्रोजेक्ट से आपको काफ़ी इजी एंड क्विक कनेक्टिविटी मिल जाती है टू गो टू बानेर, वाकड़ या बालेवाड़ी अगर आप जाना चाहते हो वीकेंड्स पे या वीकडेज पे भी। एंड साथ ही अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो, जहाँ से तगड़ा रेंटल इनकम आना चाहिए एंड साथ ही साथ फ्यूचर एप्रिसिएशन भी काफ़ी तगड़ा होना चाहिए, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैं आप सभी के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा। तो एंड यूज़ के हिसाब से भी ये प्रोजेक्ट परफेक्ट है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी परफेक्ट आ जाता है। एंड साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रांगली कहना चाहूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट को एक बार विजिट ज़रूर कीजिए, ताकि आपको बाकी सारी चीज़ें जो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको क्लियरली दिखाई देगी। चलिए क्विकली आपको प्राइसिंग एंड साइजिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 कारपेट एरियाज यहाँ पे अवेलेबल है। 2 BHK जो है वो 709 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 68 लाख ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। एंड स्मार्ट 3 BHK जो है ये 878 स्क्वायर फीट कारपेट का है, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 83 लाख ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। करंटली यहाँ पे टोकन्स ऑन गोइंग है। अगर आप टोकन परचेस करते हैं लॉन्च इवेंट पे प्रेजेंट रहे थे तो आपको काफ़ी अच्छे सरप्राइजेस एंड डिस्काउंट ऑफर्स भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएंगे। बाकी चीज़ों को भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑल एम्प्टीज मिल जाती है इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। पोजीशन की बात करें तो दिसंबर 2025 में इसका पोजीशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। वैसे इस बिल्डर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आपको डेफिनेटली बिफोर मार्च 2025 पोजीशन यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा। इनका कंस्ट्रक्शन स्पीड जो है ये काफ़ी अच्छा है। साथ ही ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है यहाँ पे MYVAN टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसके वजह से भी जो है आपका पोजीशन बिफोर टाइम आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। चलिए क्विकली आपको सैम्पल फ्लैट दिखा देता हूँ। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, साइट विजिट के लिए आना चाहते हो, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबर्स पे जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप या कॉल करें एंड साइट विजिट के लिए आ जाएं। तो चलिए क्विकली सैम्पल फ्लैट टूर करते हैं। 878 स्क्वायर फीट का स्मार्ट 3 BHK का सैम्पल यहाँ पे रेडी है, इसका हम क्विकली टूर करने वाले हैं। वैसे अगर आप 2 BHK में भी इंटरेस्टेड है तो 709 स्क्वायर फीट कारपेट वाला जो 2 BHK उसका भी सैम्पल फ्लैट यहाँ पे रेडी है। वो आप साइट विजिट के लिए जब आओगे उसे आप देख पाओगे। हर एक फ्लैट के साथ आपको जो है हिक विजन का वीडियो डोर फोन मिल जाता है, प्लस आपको डिजिटल लॉक का सेटअप भी मिलता है कुछ इस तरीके का। प्लस साथ ही साथ आप डोर्स देख लीजिए, इसी तरीके के आपको प्रॉपर डोर्स मिलते हैं, जिसका जो डोर्स का एजेस है ये आपको प्रॉपर राउंडेड मिलेगा। रबर गैस किट की पाइप जो है पैडिंग भी आपको पूरे जो है डोर्स में लगा के मिलती है। साथ ही आपको हर एक फ्लैट के साथ जो है डिजिटल स्विच बोर्ड्स मिलते हैं, प्रॉपर होम ऑटोमेशन मिलता है। आपके जो वॉशरूम्स हैं उसमें आपको मोशन सेंसर्ड लाइट्स भी मिल जाते हैं, तो एक प्रॉपर जो है स्मार्ट होम्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। आइए आप क्विकली सैंपल को देख लेंगे अंदर से, आ जाइए। अब जैसे मेन डोर से अंदर एंटर करते हो, आपको 11x17 साइज़ का स्पेशियस लिविंग एरिया यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाता है, जहाँ पे आप बड़े आराम से यहाँ पे एल शेप का आपका सोफ़ा यूनिट का अरेंजमेंट कर पाते हो। प्लस ये जो सामने की तरफ वॉल है यहाँ पे आपको स्विच बोर्ड्स दिए जाएंगे मल्टीपल, ताकि सोफ़ा यूनिट के अपोजिट साइड पे वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट का आप अरेंजमेंट कर पाओ। हर एक लिविंग एरिया के साथ आपको कवर्ड एंड अटैच्ड बालकनीज भी दी हुई है। आइए इस तरफ एक बेस्ट बात है लिविंग एरियाज में, उसे हम क्विकली कवर कर लेंगे। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये आपको अलग से मिल जाता है, जहाँ पे आप इसका यूटिलाइजेशन मल्टीपल वेज में कर सकते हो, आपके हॉबी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आप चाहें तो यहाँ पे लाइब्रेरी सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ऑफिस स्टेशन कर सकते हो। आपके बच्चों के लिए एक स्टडी टेबल अरेंज कर सकते हो, ताकि आप जब लिविंग एरिया में हो या फिर आपके किचन एरिया में हो तो आप आपके बच्चों पे जो है पढ़ाई के हिसाब से असिस्ट कर पाओ, उस हिसाब से उनके लिए यहाँ पे जो है टेबल की अरेंजमेंट कर सकते हो। तो एक अलग से स्पेस आपको मिल जाती है, काफ़ी अच्छी यूटिलिटी आप इस स्पेस की आपके फ्लैट के साथ कर पाओगे, उस हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट्स आपको मिल जाती है। आइए अब लिविंग को अटैच जो बालकनी है उसे क्विकली चेक कर लेंगे, आ जाइए। काफ़ी स्पेशियस आपको बालकनीज मिल जाती है, 16.7x4.3 साइज़ की काफ़ी बढ़िया सी लंबी सी बालकनी आपको मिल जाती है। आप क्विकली इसे चेक कर लीजिए, एंटी स्किड टाइल्स के साथ एंड टफन ग्लास के रेलिंग के सेटअप के साथ आपको बालकनीज मिल जाती है। प्लस ऊपर से कवर्ड आपको ये बालकनीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
आ जाइए, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करेंगे, आ जाइए। इस तरफ आपको एक स्पेशल एरिया अलग से मिल जाता है जिसे हम कन्वर्टिबल स्पेस कह सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो डिज़ाइन है 878 स्क्वायर फीट का, ये एक्चुअली 2 BHK के हिसाब से आपको डिज़ाइन करके मिल जाएगा। तो अगर आपको स्पेशियस 2 BHK के हिसाब से इसको यूज़ करना है तो वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो स्मार्ट 3 BHK में। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये जो पर्टिकुलर स्पेस है 9x8 साइज़ का, इसे आपको बिल्डर जो है एक रूम के हिसाब से बना के देंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपकी एडिशनल एक थर्ड बेडरूम बन जाएगी, आपके स्मार्ट 3 BHK में कन्वर्ट हो जाएगा। उस हिसाब से ये आपको कन्वर्टिबल स्पेस अलग से मिल जाता है। आई थिंक ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर लेआउट को, 878 स्क्वायर फीट कारपेट वाले लेआउट को, आप एज ए स्पेशियस 2 BHK यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी नीड है तो आप यहाँ पे उसको एक थर्ड बेडरूम के हिसाब से कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो। इस पर्टिकुलर रूम को आप बड़े आराम से आपके किड्स के लिए स्टडी रूम के हिसाब से, या फिर आपका वर्क फ्रॉम होम्स के हिसाब से, या फिर आपकी कुछ भी हॉबी है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, या फिर गेस्ट बेडरूम के हिसाब से आप इस पर्टिकुलर बेडरूम को 9x10 साइज़ का जो बेडरूम है उस हिसाब से आप इसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। या फिर अगर आप स्पेशियस 2 BHK चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया को भी आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, या फिर एक बड़ा सा लग्जरियस डाइनिंग एरिया के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। इस तरफ आपको किचन एरिया मिल जाता है, एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ आपको यहाँ पे किचन एरियाज मिल जाते हैं। यहाँ पे जो स्विच बोर्ड दिया गया है ये इसलिए दिया गया ताकि आप आपका रेफ्रिजरेटर इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे इंस्टॉल कर पाओ। यहाँ पे मल्टीपल स्विच बोर्ड्स दिए गए ताकि आपका मिक्सर, ओवन, ग्राइंडर ये पर्टिकुलर सर्विस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। ये आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म आ गया। यहाँ पे आपको एक सिंक पोर्शन मिल जाता है एंड आपको इस तरफ यूटिलिटी एरिया मिल जाती है जहाँ पे आप आपका वॉशिंग मशीन रख सकते हो। उसके लिए इनलेट, आउटलेट एंड इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड दिए गए एंड ये पर्टिकुलर विंडो आपको वेंटिलेशन के हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है। प्लस एक अलग से आपको यहाँ पे वाटर कनेक्शन दिया जाएगा ताकि अगर आप वाटर प्यूरीफायर इंस्टॉल करना चाहो तो एक अलग से कनेक्शन आपके वाटर प्यूरीफायर के लिए मिल जाता है। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं, आ जाइए। इस तरफ आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, बेसिन बाहर की तरफ आपको मिलता है, कुछ इस तरीके का बेसिन यूनिट मिल जाता है एंड इस तरफ आपको जो है कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। अगेन मोशन सेंसर्ड लाइट्स आपको मिल जाएंगी वॉशरूम्स में, जैसे आप वॉशरूम में एंटर करोगे तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी एंड जैसे आप वॉशरूम से बाहर जाओगे तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। उस हिसाब से यहाँ पे मोशन सेंसर्ड लाइट्स आपको वॉशरूम्स में दिए जाते हैं एंड सीपी वेयर, सैनिटरी वेयर आपको स्टैंडर्ड ब्रांडेड कंपनीज के यहाँ पे मिल जाते हैं। इस तरफ आपको एक बेडरूम दिया जाता है, आइए इसे क्विकली चेक कर लेंगे। 10x13.4 साइज़ का, एक अच्छे साइज़ का आपको यहाँ पे बेडरूम मिल जाता है। इसे आप किड्स बेडरूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अच्छी सी विंडो आपको मिल जाती है ताकि एक अच्छा एयर वेंटिलेशन, लाइट वेंटिलेशन आपके बेडरूम में आता रहे उस हिसाब से। प्लस ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है यहाँ पे आप बड़े आराम से आपके किड्स के लिए जो बेड वगैरह अरेंज कर सकते हो। प्लस अटैच्ड बालकनी भी आपको दी जाती है, आइए इसे क्विकली चेक करेंगे। ये पर्टिकुलर बालकनी भी आपको काफ़ी बड़ी साइज़ की मिल जाती है, आइए, लगभग 3x13.4 साइज़ की काफ़ी अच्छी बड़ी लंबी बालकनी आपको मिल जाती है। ये प्रॉपरली ऊपर से कवर्ड ही मिलेगी एंड इस पर्टिकुलर बालकनी से आप पूरा हिंजेवाड़ी का एक अच्छा सा सिटी व्यू एंजॉय कर पाते हो। आ जाइए, आ जाइए, अब मास्टर बेडरूम को चेक कर लेंगे, आ जाइए। इस तरफ आपको मास्टर बेडरूम मिल जाती है। मास्टर बेडरूम में जो टाइल्स आपको दी जाती है ये वुडन लुक लाइक टाइल्स मिल जाती है कुछ इस तरीके की एंड मास्टर बेडरूम की अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 10x14.4 साइज़ का स्पेशियस मास्टर बेडरूम आपको मिल जाता है, जहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको कुछ इस तरीके की विंडो इस तरफ मिल जाती है। तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी एज ए ड्रेसिंग टेबल के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, या फिर एक स्टडी टेबल या फिर वर्क फ्रॉम होम ऑफिस डेस्क लगा सकते हो ताकि विंडो से लग के ये आपको एक अच्छा वेंटिलेशन आपके वर्किंग आवर्स में या फिर स्टडी आवर्स में आपको प्रॉपरली मिल जाए। बाकी का जो पोर्शन है यहाँ पे आप बड़े आराम से क्वीन साइज़ का बेड लगा सकते हो एंड ये जो पर्टिकुलर कॉर्नर है यहाँ पे आपका जो है बड़ा सा वार्डरोब आप बना सकते हो, उतनी स्पेस आपको इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे मिल जाती है। अगेन मास्टर बेडरूम को अटैच्ड वॉशरूम है, आइए इसे भी क्विकली चेक करेंगे। इसमें भी मोशन सेंसर्ड लाइट्स आपको मिल जाते हैं, आप जैसे ही एंटर करोगे तो लाइट्स आपको ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। ब्रांडेड सीपी वेयर एंड सैनिटरी वेयर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छे क्वालिटी के आपको जो है टाइल्स एंड कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का 878 स्क्वायर फीट वाला स्मार्ट 3 BHK या फिर स्पेशियस 2 BHK कह लीजिए, ऐसे आपको फ्लैट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो 2 BHK 709 कारपेट वाला जो है इसकी प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम 68 lakhs ऑल इंक्लूसिव एंड ये जो वेरिएंट अभी हमने चेक किया उसका प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 83 lakhs ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। आप करंटली यहाँ पे आके
टोकन परचेस कर सकते हो, रिफंडेबल टोकन है। एंड लॉन्च वाले दिन जो है लॉन्च के बेनिफिट्स भी आपको एक्सक्लूसिवली दिए जाएंगे, यानी कि जो प्राइसिंग मैंने आपको बताई हो सकता है इससे भी कम प्राइसिंग में आपको यहाँ पे फ्लैट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही वेल डेवलप्ड लोकेशन है, रेंटल इनकम भी तगड़ा आएगा आपको, एंड वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से ये प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतरीन रहेगा। एंड साथ ही साथ आपको पोजिशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। इनके जो पास डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स है उसमें भी मैंने देखा है कि 2 ईयर्स या फिर 2.5 ईयर्स के अंदर अंदर ही इनका पोजिशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट ज़रूर करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, एंड आपके फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव सर्कल में कोई भी प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है पुणे में तो उनके साथ हमारे वीडियोस जो है शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ आपके चैनल ऑल रूम किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।